अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। शाह जी तुसी आंदे हो ना फिर मनु आमद भी खास हो जाती जे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीर सुन्नत की बारगाह में मेरा एक सवाल है। तो जान की मान पाऊँ तो अर्ज करूँ कि एक साईं भाई हज करके तशरीफ लाए, दुआ करें मालूम करें उसके और वो कुछ खजूरे लेकर आए, तो उनमें से एक खजूर खाने के लिए जब मैंने खोली तो उसमें से कीड़ा निकला। समझ आई आपको? मैंने आपका एक मदनी गुलदस्ता देखा कि मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। आपके कपड़ों मुबारक पर कुछ चुंटियां आ गई थी और उन चुंटियों को आप छोड़ने के लिए वापसी गए जहाँ से वो चुंटी आपके कपड़ों पर लगी थी। हाय सत के जावा। तो क्या इस कीड़े को भी मदीने वापसी छोड़ने जाना होगा? हूँ मैं केड़े पासे जावा? वहाँ जब तक जाएंगे उस वक्त तक इनको पालेंगे कैसे? आहो जी ये तो मैं कदे सोचे ही नहीं। परवरिश कैसे होगी है? और इनकी उम्र कितनी? इस तरह की मखलूक की उम्र ज्यादा आमतौर पर नहीं होती। तो यार के कह रहे हो? दो दो चार चार दिन में भी ये वफात पा जाते वफात। अगर मैंने ऐसा किया भी है, इसमें हमारा क्या कसूर है मेरे भाई? तो कोई ऐसा करना शरण वाजिब तो नहीं होता ना? सानू ना पेटो, अपने बुजुर्गों नु पेटो के वो चींटी जहाँ से आई थी वहाँ छोड़ने जाए वो दुश्वारी तो है ना इसमें। तो अमला ने जाके पाओ थी तो बस औकात ऐसा हो जाता है, मौका तो डाल देता हूँ। वो आपने इस बिना पे जाकर इस बिना पे क्या था कि ये चींटी जन अपने कबीले से जुदा ना हो। वाह क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हाँ वो कबीले से जुदा ना हो और ये कीड़ा जो है इनके कबीले का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो दो गले लग के रोवो रोवो गले लग के एक दूसरे नाल। ये तो इनकी कुल कायनात ये खजूर में पैदा हुआ, तो खजूर में ये मोश करे। क्या मोश करे? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा ना दिमाग नहीं चल रहा है। खजूर से निकाल दिया तो मदीने छोड़ने जाएंगे भी? बड़ा ही औखा काम है। तो मदीने में ये खाएंगे किस तरह? उठ सामो हाँ इनको रखेंगे। बोझ पाओ सारी शैवा। मोहब्बत की बात है, दीवानगी की बात है। मरहबा ना बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। Hey, I'll come look at this. एक काम कर, एक मंगा मोमबत्ती और लगा दे मेरे माथे पे और केक समझ के मेरी गर्दन काट डाल।